दोस्तों आज हम बजाज की वन ऑफ द मोस्ट रिलायबल डेली कम्यूटर डिस्कवर 125 2019 ASB वेरिएंट की एक डिटेल रिव्यू करेंगे। इस 2019 वेरिएंट में क्या क्या चेंजेस किया गया है, इसकी फुल स्पेसिफिकेशन, माइलेज, प्राइस और कौन कौन सी कलर पे ये अवेलेबल है सब आपको बताएंगे, और आखिर में इस बाइक की प्रोज एंड कॉन्स के बारे में मेरे ओपिनियन भी आपके साथ शेयर करेंगे। शुरू करने से पहले एक रिक्वेस्ट है आपसे, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो इसको लाइक करें, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर क्लिक करें, ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो डालूं तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विश्वजीत और आप देख रहे हो मोटोमैन। तो चलिए शुरू करते हैं। बजाज ने रिसेंटली डिस्कवर 125 को सेफ्टी फीचर ASB यानी कि एंटी स्कीड ब्रेकिंग सिस्टम के साथ लॉन्च किया है। ये ASB होता क्या है दोस्तों, जब भी आप पीछे की ब्रेक यूज करेंगे तो इन्हें सर्टेन पोर्शन सामने के ब्रेक भी एंगेज हो जाएगी, उसके साथ सडन हार्ड रियर ब्रेकिंग की वजह से बाइक स्कीड होने की चांसेस कम हो जाती है। इसके सामने 200mm की डिस्क और पीछे 130mm की ड्रम ब्रेक आपको मिल जाएगा। ये देखिए, इसकी डिस्क ब्रेक के ऊपर एक कवर भी लगा हुआ है। ब्रेकिंग सिस्टम के अलावा एज सच कोई टेक्निकल चेंजेस इसमें नहीं है। चलिए अब इसकी इंजन पे आते हैं। इसमें 124.5cc की 4-स्ट्रोक सिंगल सिलेंडर एयरकूल्ड SOHC बजाज पेटेंटेड DTSI इंजन लगा हुआ है, जिसकी मैक्सिमम पावर है 11 PS एट 7500 RPM और मैक्सिमम टॉर्क 11 न्यूटन मीटर एट 5500 RPM। इसमें आपको किक और सेल्फ दोनों तरह की स्टार्टिंग मैकेनिज्म ही मिल जाएगा। सबसे अच्छी बात इस इंजन की यह है, इसमें हिल एंड टो शिफ्टर वाला 5 गियर्स आपको मिलता है। इससे इसकी हाईवे में परफॉर्मेंस बहुत उम्दा किस्म की हो जाती है। डिस्कवर 125 पे सेलुलोज बेस्ड क्लच दिया जाता है, जो इसके गियर शिफ्टिंग बहुत इजी और स्मूथ बना देती है। इसमें एक वेल कुशन्ड वाइड एंड लॉन्ग सिंगल लेआउट सीट लगा हुआ है। इसमें आसानी से आप आपके वाइफ और बच्चे आराम से बैठ सकते हैं। इसकी सीट हाइट है 805mm, जो शॉर्टर या टॉलर दोनों के लिए ही ठीक ठाक है। इस बाइक की उम्दा किस्म की राइडिंग कंफर्ट के पीछे इसकी सस्पेंशन सेटअप की बहुत बड़ा हाथ है। इसके सामने टेलीस्कोपिक फॉर्क लगा हुआ है, जो 140mm तक फॉर्क ट्रेवल देती है, और पीछे 120mm व्हील ट्रेवल वाला गैशफील्ड नाइट्रॉक सस्पेंशन दिया गया है। बजाज की क्लेम है इसकी हाईएस्ट सस्पेंशन ट्रेवल इस सेगमेंट की दूसरी बाइक से 16% ज्यादा कंफर्टेबल राइड प्रोवाइड करती है। टायर्स एंड व्हील्स को देखें तो इसमें 17 इंच की अलॉय व्हील के साथ सामने 2 75x17 और पीछे 100x90 सेक्शन की ट्यूबलेस टायर लगा हुआ है। इसमें आपको डीसी हेडलैम्प सेटअप के साथ एलईडी DRL मिल जाएगा। डीसी की बेनिफिट यह है कि एक्सेलरेशन के ऊपर इसकी ब्राइटनेस कम ज्यादा नहीं होता है, हर समय आपको एक कॉन्स्टेंट ब्राइटनेस मिलता है। इसकी स्विच गियर्स की फिट एंड फिनिश बहुत ही अच्छा है। इसमें आपको पास लाइट के साथ हेडलाइट ऑन ऑफ करने की स्विच और इलेक्ट्रिक स्टार्ट मिल जाएगा। पीछे बेजल फिनिश एलईडी टेल लैंप भी दिया गया है। इसमें जो कॉम्पैक्ट लुकिंग शॉर्ट एंड टर्न इंडिकेटर दिया गया है, वो देखने में काफी अट्रैक्टिव है। इसमें डीजी एनालॉग मीटर कंसोल लगा हुआ है, जिसमें आपको स्पीडोमीटर, ओडोमीटर, टैकोमीटर, ट्रिप मीटर और फ्यूल गेज मिल जाता है। चलिए अब इसकी ओवरऑल डायमेंशन को भी एक बार देख लेते हैं। इसकी 165mm की ग्राउंड क्लियरेंस इंडियन रोड कंडीशन के हिसाब से बिल्कुल ठीक ठाक है। इसमें 8 लीटर की फ्यूल टैंक दिया गया है, जिसमें 1.5 लीटर की रिजर्व है। और माइलेज की बात करें तो एवरेज राइडिंग कंडीशन पे आपको इससे 55 टू 60 के आसपास की माइलेज मिल जाएगा। इसके दो कलर वेरिएंट्स है, ब्लैक विद ग्रे और ब्लैक विद रेड। बजाज डिस्कवर 125 ASB 2019 डिस्क ब्रेक वेरिएंट की कोलकाता में एक शोरूम प्राइस है 62,202 रुपीज। चलिए अब इस बाइक की प्रोज एंड कॉन्स के बारे में मेरे ओपिनियन आपके साथ शेयर करते हैं। इस बाइक की मेन USP है इसकी राइडिंग कंफर्ट, माइलेज, प्राइस, लो मेंटेनेंस और पार्ट्स भी इसकी बहुत सस्ती है। और नेगेटिव की बात करें तो कुछ लोगों की कंप्लेन है 60 से 70 के अंदर इस बाइक में थोड़ा सा वाइब्रेशन आ जाता है। दोस्तों आपका क्या ख्याल है, नीचे कमेंट में अपना ओपिनियन जरूर देना। और ये वीडियो आपको कैसा लगा, अगर अच्छा लगे तो इसको लाइक मारो, शेयर करो, और ऐसे वीडियो फ्यूचर में सबसे पहले देखने के लिए मोटोमैट को सब्सक्राइब जरूर करो। नमस्कार दोस्तों, आज के लिए इतना ही, जल्दी मिलते हैं अगले वीडियो पर, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय एंड राइड सेफ।